लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग विल है बच्चे को एक टॉप लेवल पे एजुकेशन देने के, कम से कम 30-35 लाख 30 लाख ऐसे कुछ रेट चल रहे, और एक 2-4 साल बाद या 10 साल बाद देखा तो करोड़ में अमाउंट जाएगा। बिल्कुल, एट द एज ऑफ 50 मुझे रियलाइज हुआ कि सेविंग करना बहुत जरूरी है, बहुत मैटर करता है इन्फ्लेशन। Our guest for the day is Nitin Gaikwad, a father of two extremely talented children who recently started saving with EduFund so his children can pursue their dreams. Let's hear what he has to say about his financial journey. Nitin ji, aapka EduFund mein swagat hai. Thank you so much ki aap yahan par aaye. To शुरू से ज़रा आपकी आपकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपकी खुद की जो पढ़ाई थी स्कूल की या कॉलेज की वो किस तरीके की थी? पढ़ाई समय बहुत संघर्ष किया हूँ, रूरल एरिया में 10th किया, उसके बाद 12th किया और फिर अनंतराव थोपटे कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद पढ़ना चाहता था, थोड़े फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए फिर लर्निंग से अर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया। अच्छा, फिर पढ़ाई को थोड़ी सी रुकावट आ गई, फिर कंटिन्यू फिर जॉब करते गए उसी चक्कर में अटक गए, लेकिन इच्छा बहुत थी पढ़ाई करने की और एक्स्ट्रा। लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग विल है बच्चे को एक टॉप लेवल पे एजुकेशन देने के, और एक आपको मैं बताना चाहता हूँ सेम बच्चे को मैं बताया हमारी वैशाली गायकवाड़ को कि देख ये स्टैंडर्ड है अपने घर में, एक नॉर्मल फैमिली से भी बाहर जाके पढ़ाई कर सकती है, तो खाली मन में एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, उसके लिए बाकी जो सपोर्ट है फाइनेंशियल वो हम कैसे भी रेस कर सकते हैं या करेंगे, वो भी अभी MSc बायोटेक पुणे यूनिवर्सिटी में और इंसेक्ट के बारे में कुछ उनका पढ़ाई का भी इंसेक्ट स्पेशलाइजेशन करेगी, वो इंसेक्ट जो प्लांट्स पे जो गिरते हैं ना सफ़ेद वाले मावा बोलते कुछ उसको, तो उसके ऊपर रिसर्च करने का अभी उसने थोड़ा सा प्लानिंग किया मेरी बच्चे। अच्छा अच्छा, तो आप अभी फिर मुझे थोड़ा अपनी बेटी की एजुकेशन के बारे में बताइए, और ये बताइए कि आप उसकी PhD के लिए अगर वो बाहर से करना चाहती है तो आप किस तरीके से उसके प्लानिंग कर रहे हैं? ICSE बोर्ड में उसने 10th किया और उसके बाद CBSE बोर्ड हुआ उसको 11-12, फिर फर्स्ट ईयर से सेंट्रल बोर्ड होने के बाद उसका एडमिशन लिया पुणे यूनिवर्सिटी में MSc बायोटेक, 5 ईयर्स का डायरेक्ट प्रोग्राम स्ट्रक्चर है पुणे यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद अभी उसका 3rd ईयर चल रहा है और अभी वही स्कॉलरशिप की तरफ से कुछ थोड़ा भी, हम तो मिडिल क्लास के बोले तो उस हिसाब से थोड़ा सा प्लानिंग किया, ऐसी स्कॉलरशिप फंडिंग कुछ हो सके तो बेटर होगा, और इनिशियली हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे देंगे, फिर लास्ट में फिर एजुकेशन लोन वगैरह। अच्छा, हो सके तो करने की प्लानिंग किया है। अच्छा, तो आपको अभी कुछ अंदाज़ा है कि लगभग कितने लग सकते हैं उसकी पढ़ाई? अभी तो कम से कम 30-35 लाख 30 लाख ऐसे कुछ रेट चल रहे, और एक 2-4 साल बाद या 10 साल बाद देखा तो करोड़ में अमाउंट जाएगा। इतना तो ऑफर कॉमन मैन नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक बेस्ट वे कुछ प्लानिंग ही चाहिए, प्लानिंग के हिसाब से कुछ इनिशियल अमाउंट डाले तो उसके ऊपर कुछ कर सकते। तो आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में कब पता चला? थोड़ा मैं जानता था ये लॉकडाउन पीरियड के दौरान, अभी एम्प्टी माइंड था, फिर वो टीवी पे देखते थे मोबाइल पे देखते थे क्या है कैसा है,
थोड़ा वो सुन के फिर इंस्पायर हुए थे, लेकिन वो टाइम हाफ पेमेंट, एक महीना काम ही नहीं, ये सिचुएशन थी। फिर उसके बाद दिमाग में रखे थे कि कुछ करना है अपने को, प्लानिंग करना है। फिर ये आपका एजुपन का ऑफिस यहाँ पे स्टार्ट हुआ और भागीरथ सर कॉन्टेक्ट में आए। इन्होंने ऐसे ही जस्ट बोले, देखो भैया ऐसा ऐसा है, ये आप छोटा भी अमाउंट डालेंगे तो धीरे धीरे ग्रो करेगा। बोले ठीक है, फिर उनसे थोड़ा सा वो समझा के लिए और स्टार्ट कर दिए SIP। अभी घर वालों को भी बोला हूँ कि ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता अपने से, ऐसा कुछ तो हमारे घर वाले भी बोले ठीक है, अपन एक वन टाइम कुछ अमाउंट डाल के इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोचेंगे उसके बारे में। अच्छा, तो आपने एडुफंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो आपका कुछ फिक्स्ड ऐसे कोई गोल है अभी माइंड में कि आप इतना सेव करना चाहते हैं? एटलीस्ट 20 लाख तक तो चाहिए मिनिमम, 15 to 20 लाख। नॉर्मल तो बेचारा होएगा या उसका पढ़ाई के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। जब शुरू में, सबसे पहले जब आपने कमाना शुरू किया था, उस टाइम पे आप किस तरीके से अपनी सेविंग्स करते थे वर्सेस अभी आप किस तरीके से अपनी सेविंग्स करते हो, क्या उसको कुछ फर्क आया है ये पूरे 10-20 सालों में? नहीं, अभी मुझे वही मैं कहना चाहता हूँ, एट द एज ऑफ 50 मुझे रियलाइज हुआ कि सेविंग करना बहुत जरूरी है। ये हमारा पहले जॉइंट फैमिली था, तो जॉइंट फैमिली में एक्सपेंसेस डाइवर्ट हो जाते, तो जो भी इनकम होता था वो सब घर में ही डिस्ट्रीब्यूट होता था। अच्छा, तो ऐसा प्लानिंग भी थोड़ा बहुत करते थे लेकिन नहीं हो पाया। फिर ये 1-2 साल में डिसाइड किया, नहीं अपने को बच्चों को अगर टॉप लेवल पे एजुकेशन करना है तो अपने को किसी भी हालत में जितना भी हो सके मिनिमम अमाउंट अपने को साइड में रखना चाहिए। अब से फिर थोड़ा सा सोचना क्या, और वही फिर मेरे मुझे ये एजुफंड का थोड़ा प्लेटफॉर्म मिला। अभी देखता हूँ मैं, थोड़ा जैसे ही हो सके तो मैं भी कुछ और SIP डालने की सोच रहा हूँ। अच्छा। या अमाउंट बढ़ाने के। फिर मैंने 50 साल में बहुत चढ़ उतर भी देखे, लाइफ में स्ट्रगल किए, पढ़ाई करने के बाद भी क्या दिक्कत आती है, या प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। उसको किसी को एक तो गॉड फादर चाहिए, अदरवाइज उसको रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं मुझे मिला मेरी लाइफ में, इसलिए थोड़ा मैं बैक रह चुका हूँ। लेकिन वही मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो जो प्लानिंग सेविंग के बारे में नहीं कर पाते या उनको कुछ प्रॉब्लम आती है, उन्होंने जरूरी है कि एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट तो सेव करना चाहिए, तो आगे उनका खुद का और उनके बच्चों का फ्यूचर अगर अच्छा बना तो नेचुरली उनका भी फ्यूचर अच्छा बनेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी जरूरी करना पड़ेगा। और बाय द वे, अभी हर साल देख रहे महंगाई बढ़ती ही जा रही है, उसको कंट्रोल नहीं है। जो मुझे कुछ याद है 25-30 साल पहले गहना गोल्ड 5,000 या 6,000 10 ग्राम था, आज की डेट में देखिए उसके कॉस्ट क्या बढ़ गई। तो इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको रोकना है तो अपना खुद का कुछ बजट चाहिए, फाइनेंशियल या सेविंग का कुछ प्लानिंग ही चाहिए। वही बजट या वही प्लानिंग ये इन्फ्लेशन को क्रॉस कर सकता है या उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, ये जो इन्फ्लेशन की बात है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इग्नोर करते हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई अपने बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि अभी कितनी फीस, अभी की फीस दिमाग में रख के फिर वो अगले 10-15 साल के लिए सेव कर रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन आएगा और वो फीस अगर बहुत मैटर करता है इन्फ्लेशन,
बिल्कुल मैंने देखा पूरा ये 50 ईयर में मैंने बहुत देखा है इन्फ्लेशन का असर, उस टाइम का महंगाई और अभी का महंगाई इसको कंपेयर नहीं कर सकते, और यही ड्रॉबैक मुझे अभी फील हो रहा है कि उस टाइम मुझे कोई सच्चे ऐसा बताने वाला मिलता ना कि देखो भाई ये ऐसा है, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ऐसा थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए, मिला होता तो शायद मैं कर पाता था और करता था नेचुरली, और अगर करता तो आज मुझे 100% 30 ईयर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता था और अच्छा खासा मेरा प्लानिंग था, बजट रहता था। लेकिन गाइडेंस या प्रॉपर डायरेक्शन ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम आती है, ये मैंने मेरा खुद का एग्जांपल देके बता रहा हूँ। वो पेरेंट्स जिनको जिनके पास गाइडेंस नहीं है या अभी अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए आप अभी कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अभी पेरेंट्स ने तो पहली बात अपने बच्चे जो भी चाइल्ड है उनके ऊपर एजुकेशन के लिए फोकस करना चाहिए, और उनकी कहाँ पे उनका इच्छा है, किस सब्जेक्ट में उनको मास्टर डिग्री करना है उसके ऊपर भी फोकस करना है। सेम टाइम उन्होंने इन्फ्लेशन का, महंगाई का भी थोड़ा सा सामने रख के इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एक मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल भी बताना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड जो पब्लिक पीपल होते हैं उनका एक मंथली बजट रहता है, या वो एक ऐसे एक फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस, वो खुद के जेब से पैसा नहीं डालते, एक अच्छे कंपनी पकड़ते उसमें इन्वेस्टमेंट करते और उसी का बेनिफिट हर साल लेते रहते, रिन्यूअल पॉलिसी वापस उसके ऊपर। अब मिडिल क्लास के लोग, उनके पास पहले वक्त पैसा ही बचता नहीं, पैसे को तुरंत ख़त्म हो जाता है, तो उनके लिए भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ है जो अपने को करना ज़रूरी, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस भी करना ज़रूरी है, सेम टाइम अपना इन्वेस्टमेंट भी करना ज़रूरी है। और वो अभी एक बार आपको प्लेटफॉर्म मिला एक 10 साल 15 साल या 25 साल 30 साल पहले, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर, आपके बच्चे का फ्यूचर, बच्चे का फ्यूचर अच्छा बन सकता है। ये मैंने ग्राउंड लेवल में काफ़ी अच्छा समझ लिया है और महसूस किया है और एक्सपीरियंस भी लिया इस बात का लेकर। और पैसा आता है, सबके पास पैसा रहता है, लेकिन पैसे को कंट्रोल करना या पैसे को प्रॉपर डाइवर्ट करना इन्वेस्टमेंट में, ये सबकी बस की बात नहीं, ये भी एक कला है और हर एक को ये कला नहीं होती, इसीलिए बहुत सारे लोग रोते रहते कि मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को अच्छा एजुकेशन दे पाता, मेरे बच्चे को मैं अच्छा टॉप लेवल पे लेके जाता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सारी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं, और जो आपने कहा कि ये बजटिंग और प्लानिंग भी एक कला है, हर किसी से नहीं होता। मैं देखा हूँ एक 50 ईयर में, मैं भी अभी सोचता ना कभी कभी, ये देखता ना एजुपॉइंट का कि मैं यही, मेरे को यही प्लेटफॉर्म अगर मिलता एक 25 साल पहले तो सोचिए ना मैडम, आप मिनिमम 500 रुपीज या 1000 रुपीज भी महीने अगर डाला होता 30 साल पहले तो सोचिए मेरा अमाउंट कहाँ तक जाता था। मुझे एक सपोर्ट तो मिलता था ना अच्छा, और मैं फिर टेंशन फ्री रहता था। अभी थोड़ा टेंशन आ जाता है फाइनेंशियली, फिर भी उम्मीद नहीं हारता हूँ, या एक विल पावर है कि कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। एक मेरा पर्सनल भी बताता हूँ, मेरे पिताजी हार्ट अटैक उनको 7 बार आया, 7 बार 7 टाइम, फिर भी जिंदा रहे क्योंकि उनका विल पावर खूब बहुत स्ट्रांग था। लेकिन विल पावर अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप मार्केट में भी या जो भी आपका एम रहेगा उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। आपने इतनी सारी बढ़िया बढ़िया टिप्स दे दी है हमारे व्यूवर्स को, जितने भी पेरेंट्स आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि वो इंस्पायर होंगे आपकी स्टोरी से,
And I wish your daughter and your son all the luck in the world. Thank you so much for coming here. Thank you so much for your time. Thank you for joining us for yet another episode of Chasing Dreams with EduFund. We'll be coming back to explore more financial stories of Indian parents, and we'll give you more financial tips. So stay tuned for that and have a great day.